आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। गुजरात के तटों की तरफ बढ़ रहा चक्रवात बिपरजॉय बेहद खतरनाक रूप ले चुका है। आज शाम करीब 4 से रात 8 बजे के बीच बिपरजॉय की कच्छ के जकाओ में जमीन से टकराने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने भारी तबाही की चेतावनी दी है। इसी कड़ी में गुजरात के राहत आयुक्त आलोक पांडे ने कहा कि तटीय इलाकों से लोगों को निकालने की प्रक्रिया बुधवार तक पूरी कर ली गई है, जिसमें 74,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। 8 तटीय जिलों से लोगों को शिफ्ट किया गया है। इस खतरनाक तूफान को देखते हुए अधिकारियों ने गुजरात में NDRF की तैनाती का खाका देते हुए NDRF की टीमों को कच्छ जिले में, राजकोट में, देवभूमि द्वारका में, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, सोमनाथ, मोरबी, वलसाड़ और गांधीनगर में तैनात कर दिया है। वहीं अधिकारियों ने कहा कि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में NDRF की कुल 14 टीमों में से 5 को मुंबई में तैनात किया गया है, जबकि बाकी को तैयार स्थिति में रखा गया है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।